नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जुबिलेंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। सबसे पहले देखते चलते हैं जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से हरियाणा कौशल जॉब सुरक्षा के रिलेटेड एक नोटिस आया है, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार जॉब जो कैंडिडेट कह रहे थे भी हम जॉब तो कर लें, ठीक है, काफ़ी के डाउट्स थे भी जॉब तो कर लें, इसमें क्या गारंटी है भी जॉब से हमें हटाया नहीं जाएगा या हम परमानेंट रहेंगे या ऐसे कुछ भी। इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आई है भी 58 ईयर्स तक, 58 साल तक आपको नहीं हटाया जाएगा। क्या नोटिस है, क्या प्रूफ है, ये देख सकते हो। इसमें आपको पूरी पूरी डिटेल के साथ दिखाते हैं। रोजगार निगम पोर्टल पर 58 साल तक कर्मियों को सेवा सुरक्षा गारंटी देने की मांग की जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में सीएम के बयान पर कच्चे कर्मचारियों में रोष किया जा रहा है भी हमें हटाया जाएगा जा रहा है, ठीक है। विधानसभा के सत्र में, ये यमुनानगर की ऑफिशियली अखबार में आया जी नोटिस, ठीक है। विधानसभा सत्र में सीएम के जवाब के विरोध में नारेबाजी कर देते हुए अनुबंधित कर्मचारी यानी कि जो कि कच्चे पर पहले लगे हुए हैं, ठीक है जी। इसमें विधानसभा सत्र में विपक्ष द्वारा कौशल रोजगार निगम के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री खट्टर साहब से बयान दिया है उन्होंने, उससे कच्चे कर्मचारियों में रोष है। बुधवार को अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने इसका विरोध जताया है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री आशीष दीमान ने कहा है कि एक तरफ सरकार कच्चे कर्मचारियों का शोषण खत्म करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ विधानसभा में मुख्यमंत्री रोजगार को सुरक्षित करने के बजाय कच्चे कर्मचारियों को हटाने की बात कर रही है। मतलब जो पहले लगे हुए थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, उनको हटाने की बात की जा रही है, ठीक है। उनसे मांग करते हुए जितने कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनका रोजगार सुरक्षित हो जाए। कब तक, 58 साल तक भी रहती उम्र तक, यानी कि बंदे जब रिटायर गवर्नमेंट जॉब से होते हैं तब तक इनका भी पक्का हो जाए, इसलिए सुरक्षा के उनको मद्देनजर रखते हुए उनका रोजगार सुरक्षित हो, 58 साल की रोजगार सुरक्षा दी जाए। हरियाणा कौशल रोजगार में नियुक्त कर्मचारियों के भविष्य में अंधेरा होने के जो संकट है उसको सरकार दूर करे। जिला सचिव राज ठाकुर ने कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों के बारे में सोचे जो दिन रात सरकारी महकमों में ईमानदारी से सेवा तो कर रहे हैं और सरकार कहती है कि हमने शोषण खत्म कर दिया, तो ठेकेदार को बीच में से हटाकर अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इनको पक्की भर्ती होने से पर बाहर निकाल दिया जाएगा, जो सरासर गलत है, जो कि आपने कल भी डिस्कस की थी, कल भी आपने नोटिस पर विचार विमर्श किया था भी कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग इन्होंने रोष किया है, जो कि पहले भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे बिजली महकमे में, ठीक है जी। और इनका 58 साल का रोजगार सुरक्षित करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा चलानी चाहिए। मौके पर जिला अध्यक्ष अश्वनी कश्यप, अविनाश, जसविंदर बाली, संजय बाली, राजू, राहुल कंबोज, सुभाष राणा, बालकिशन, सुनील, रोहित संदे ये भी मौजूद थे, इन्होंने भी ये बयान सारे के सारे सुने हैं भी। इनका रोष ये है भी हमको कहीं पर हटा के हमारी जगह पर और कर्मचारी ना रख दिए जाएं, यानी कि जो पहले से लगे हुए हैं बट अभी तक पक्के नहीं हुए, उन्होंने कौशल रोजगार के निगम के बारे में जो सीएम साहब ने बयान दिया था ना, चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसका विरोध इन्होंने यमुनानगर में किया है, ठीक है जी। और भी ये कह रहे हैं भी हम गवर्नमेंट तो उस तरफ से तो कह रही है भी हमें हम ठेकेबाजी बंद कर रहे हैं, उस तरफ से कह रहे हैं जी हम आपको पक्का रोजगार देंगे, और जो पहले के कर्मचारी लगे हैं उनको हटा रहे हैं, तो ये शोषण ही हुआ, इसलिए कह रहे हैं भी हमें जो पहले के लगे हुए हैं वो तो पहले के रहे ही रहे, और भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये कह रहे हैं भी हम पहले के लगे हुए हैं, हमें 58 साल तक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और भी अखबार की कटिंग में आप देख सकते हो भी इन्होंने यही डिमांड की है भी हमें भी हटाया ना जाए कौशल रोजगार निगम के बारे में, हमें भी और अपॉर्चुनिटी दी जाए। और भी कौशल निगम की खबरें आ रही हैं, जैसे जैसे आ रही हैं आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते जाएंगे, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, और इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल में हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।